बात कर रहे हैं हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। जी हाँ, फॉर्मूले की शुरुआत हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करते हैं। एक्सेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सबसे परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर एक सेल का लोकेशन है, हर एक सेल की एंट्री कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप एसक्यूएल की बात करें, आप एक्सेस की बात करें और भी जो सॉफ्टवेयर है उनकी बात करें, तो उनको क्या है कि वो सेल कॉलम टू कॉलम को कैलकुलेट करते हैं, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, सेल टू सेल को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि मुझे अगर दो नंबर्स को आपस में सम करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर को सम कर देगा, और दूसरा हम मैथमेटिकल सिंबल यूज करेंगे कि b2 प्लस c2। अब देखिए, जो हमने b2 प्लस c2 किया, मतलब कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज किया। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते कितने तरह के हैं, तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और यहां पे आता है पावर। ये मैथमेटिकल सिंबल है, इसका यूज करके आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास ऑलरेडी सम का फॉर्मूला है, तो फिर हम क्यों करें मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो जो सम का फॉर्मूला है, ये आपका इनबिल्ड फॉर्मूला है। जी हाँ, इनबिल्ड फॉर्मूला है। अब ऐसे फॉर्मूले हो सकते हैं कि आपके पास कम हो, या जिस तरह की कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल ही ना हो। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल, कि यहां पे क्वार्टर वन है, यहां पे क्वार्टर टू है, मैं चाहता हूं कि क्वार्टर वन में 65 है, क्वार्टर टू में 64 है, मुझे इसका ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ के लिए एक्सेल के अंदर कोई सही ढंग का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें इसके लिए, हम चले जाएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब कि क्वार्टर टू लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। ओके सर, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये मैथ का सिस्टम था, तो यहां पे हंसी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि बोर्ड मास मेथड को पूरा करना है। लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड, ये परसेंटेज में आ गया। ओके सर, कैलकुलेट कर लिया। अब इसके लिए फॉर्मूला नहीं था, हमने मैथमेटिकल सिंबल को, मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशंस को रखते हुए इसका हमने सोल्यूशन निकाला। समझ में आया आप लोगों यस सर, सुन को? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप?
हेलो चलिए इसमें अगली कैलकुलेशन पे चलते हैं। मैं क्लियर करता हूं अगली कैलकुलेशन। अब जैसे मान लीजिए मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मैथमेटिकल रूल कहता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है सर? यस अब इसको कैसे फॉलो करेंगे? तो इसमें दो चीज आप सीखेंगे। पहली चीज कि यहां जो आपके पास जो ए लिखा है कैलकुलेशन है थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है। तो इसको कैसे करें? तो इसको टुकड़ों में करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल डिसाइड हो जाए कि प्रिंसिपल हमारा 50,000 है, रेट हमारा मान लीजिए 3% है, हमारा मान लीजिए 5 अमाउंट क्या होगा। यहां पे हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, कोई ब्रैकेट कोई कॉमा छूट सकता है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसको हम करेंगे आर डिवाइड बाई एन, आर डिवाइड बाई एन इनमें 12 है, मतलब कि मंथली निकालना है 12, क्वार्टरली निकालना है तो 4, हाफ ईयरली तो 2, ऐसे डिसाइड किया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया 1 प्लस, ये आपका आर डिवाइड 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन हो गया टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, फिर इन दोनों का पावर आ गया 1.16। यहाँ उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर 50,000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आपका रेट आ गया। अब प्रॉब्लम कि इतने सारे सेल्स को यूज किया गया, मुझे इसको सिंगल सेल में चाहिए, तो हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूला मर्जिंग में। अब देखिए इसमें 1 प्लस C10 है, C10 कहाँ है? यहाँ है। तो C10 पे क्या है? फॉर्मूला है। तो C10 के फॉर्मूले को कॉपी करूंगा और यहाँ C10 के जगह पे डाल दूंगा, लेकिन ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि हमें बोर्ड मास मेथड के ब्रैकेट को फॉलो करना है। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब ये जो है इन दोनों से लेंगे C11 और C12। अब मैं C11 को जाता हूं और C11 को कॉपी करता हूं और यहां जहां C11 है उसकी जगह ब्रैकेट में पेस्ट कर देता हूं। यहां जहां हमारे पास C12 है, C12 को लेता हूं और यहां C12 के जगह पे पेस्ट कर देता हूं, इसको कॉपी करता हूं। जहां पे C13 है उसके जगह पे पेस्ट कर देता हूं। इस सारी कैलकुलेशन को डिलीट कर सकता हूं, अब इसको कट करके यहां रख सकता हूं। तो आपने यहां पे एक नया चीज सीखा, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। समझे? डाउट इसमें? सर
सर ये हम लोग के यूज में आता है क्या इतना? क्या हम लोग के यूज में आएगा ये? जरूर आएगा। आपके पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ गई, कुछ ऐसा चीज आ गया जिसके लिए फॉर्मूला नहीं है बट मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, तब क्या करेंगे? इसको तो चलो मैं पीवी नाम का फॉर्मूला हमारे पास होता है उससे इसको बना सकता हूं मैं, कि रेट डिवाइड बाय 12 टाइम, यहां पे कॉमा हो गया, कॉमा करना है, टाइम यहां पे टाइम को मल्टीप्लाई बाय आल्सो 12 और पीएमटी हट के एफबी फ्यूचर वैल्यू हमारे नहीं पीवी नहीं होगा एफबी होगा फ्यूचर वैल्यू होगा माफ कीजिएगा आया सर। तो अब मान लीजिए कि एक्सेल का पीवी फॉर्मूला वर्क कर रहा है, बोला यार फॉर्मूला रिजल्ट मुझे शक लग रहा है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता है, पता नहीं उसकी कैलकुलेशन क्या है, हमारी कैलकुलेशन क्या है, क्या सर? आप इस मैथमेटिकल रूल्स को बता सकते हो ना, प्रूफ कर सकते हो ना, ऐसी बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब जो बाकी जो लोग हैं खासकर सीए या फिर जो सिक्स सिग्मा यूजर्स हैं, क्यूसी टीम या फिर जो सेल्स एनालिसिस वगैरह है, वो लोग अपना रेट वगैरह इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टैटिकल फॉर्मूला में देखिए आपका ना एवीडी दिखा है ना आपको सर, अब इसी की हम बात करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते ही हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है, मिल जाता है। स्टैटिकल स्टैटिकल हाँ एक बार इसको क्लीन करता हूं। स्टैटिकल फॉर्मूला में देखिए एडीवी फंक्शन है, है? Okay. ये फॉर्मूला ये जो है दिस दिस इक्वेशंस एवरेज ऑफ द डिवीजन दिख रहा है आपको, इस पे मेथड करता है। मेथड को अगर आपको सॉल्व करना हो एक्सेल में कैसे करेंगे सर? ये जो ये प्रिंसिपल रेट और ये टाइम का वो है ना फॉर्मूला, ये नहीं ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला ऊपर जो मैं बनाया है ये है अमाउंट निकालने का, इंटरेस्ट पे लिया है तो आफ्टर द पीरियड टोटल कितना होगा अमाउंट, सो है वी कैलकुलेट द अमाउंट। इसके लिए मैथमेटिक्स में हम लोग क्या थे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करते थे, याद होगा एट्थ क्लास का ये सवाल है सर। मैथमेटिक्स में जो हम करते कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट ये वो वाला फॉर्मूला है ना? हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है सर। हाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। हाँ सर बोलिए सर, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं। और मैथमेटिक्स करने से फायदा होता है सर, मैथमेटिक्स करने से तो फायदा ये होता है कि आपकी जो एक्सेल की कैलकुलेशन, सिंपल सी बात समझ जाइए ना कि किसी तरह की कैलकुलेशन या किसी तरह की अगर आपको मतलब कि एनालिसिस करना है और उसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो आपको पता नहीं है या आपको उसकी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसकी कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करने के बाद आपको उस पर कुछ एडिशन करना है, उसके करने का तरीका अलग है, इस करने का तरीका अलग है, उस केस में तो आप मैथमेटिक का ही सहारा लोगे ना सर। मैथमेटिक के हर तरह की इक्वेशन हर तरह की कैलकुलेशन को किया जा सकता है, जैसे अभी आपके सामने मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, ये है ना सर, दोनों एग्जांपल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज आपने सीखने को मिला फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, बड़े लेंदी कैलकुलेशन आगे चल के जो बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे उन बड़े बड़े फॉर्मूले को हम अलग अलग सेल में कैलकुलेट करेंगे, देन उनको एक सेल में हम कंबाइन करेंगे। सर ये एफबी का मतलब क्या है सर? वो तो फॉर्मूला है, वो तो प्री डिफाइंड फाइनेंशियल फॉर्मूला है, वो आपको हम आगे क्लास में बताएंगे। अच्छा वो प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, वो आए क्लास में आपको पता चलेगा सर। अच्छा और कुछ पूछना है?
नहीं सर, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो इसमें आप कोई इसका कोई ये नहीं है, मतलब कि कोई रूल या नियम नहीं है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, जैसे कि दो हमने किया है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है अपने को भी इंटरनेट पे जाए, मैथमेटिक्स का बुक उठाए और मुझे इसका ये करके दे, कम से कम 10 मैथमेटिकल एग्जांपल को एक्सेल में करके दिखाइए। अच्छा, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी, जो आप जो मैथ समझ सके एक्सेल में, तो तभी कर पाएंगे जब उस मैथमेटिक्स को समझेंगे आप। हाँ, अगर उसको आप समझ लेते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम मैथमेटिकल प्रॉब्लम मतलब उसमें कैलकुलेशन करके दिखाना। जी ठीक है सर। ओके ओके सर। हेलो बोलिए सर, ये फॉर्मूले फर्स्ट क्लास है क्या? जी है, जी है। ओके ओके ठीक है, तो आप कीजिए, कल हम बात करेंगे लॉजिकल एग्जांपल्स की। ये आपका पावर होता है, ठीक है ना, स्क्वायर से मान लो कि आपको अगर 10 स्क्वायर निकला है तो 10 और ये सिंबल दीजिए 10 दीजिए, आपको 10 स्क्वायर आ जाएगा, 10 हो गया, 10 हो गया, तो 10 का पावर ऑफ 10 हो गया, 10 स्क्वायर के 2 देना पड़ेगा ना। सर कल ये आने वाले क्लास में